दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा करंट जीके के न्यू क्वेश्चंस पार्ट 16 करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले एचएसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप थाइल एजुकेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 16। तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का तीसरा शहर जहाँ पर मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है कौन सा है? तो दोस्तों, ये हुई है बहादुरगढ़ में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो सबसे पहले जो है वो गुरुग्राम में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी हरियाणा के, और उसके बाद फरीदाबाद में, और तीसरे नंबर पर जो भी बहादुरगढ़ में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर दो है कि हरियाणा सरकार ने किससे पीड़ितों के लिए विशेष राहत और पुनर्वास योजना बनाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेजाब पीड़ितों के लिए। तो हरियाणा सरकार ने जो है 18 साल तक की उम्र के तेजाब पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना लागू की है, और इसके लिए जो है वो 2 मई 2011 के बाद तेजाब हमले का शिकार कोई भी पीड़ित पात्र जो है वो इसका लाभ ले सकता है, और विकलांगता की श्रेणी में आने वाले पीड़ितों को जो है वो 8,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता भी इसमें देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर तीन है कि अटल भूजल योजना को हरियाणा सहित देश के कितने राज्यों में लागू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 7 राज्यों में। तो केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना को शुरू किया है, और यह योजना जो है वो इस साल से शुरू होकर 5 साल तक चलेगी, यानी कि 2022-23 तक जो है ये योजना लागू रहेगी। नेक्स्ट है कि हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर अब कितनी हो गई है? तो दोस्तों, ये हो गई है अभी 101। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए दो क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो इनके आंसर आप मुझे जो है वो अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपकी तैयारी का पता चलता रहे। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला कि हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए सुमन लता, बी ज्योति बेंता, सी लक्ष्मी रानी या डी निकिता रानी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी फतेहाबाद, सी यमुनानगर या डी पंचकुला। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें, और जो मैंने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैंने जो करंट अफेयर अक्टूबर 2018 की वीडियो थी उसमें पूछे थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने अक्टूबर करंट अफेयर सॉरी 26 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर कवर किए हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के किस न्यायाधीश को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अभी तो हाल ही में जो है वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पिताजी का भी निधन हो गया था, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कहाँ पर सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ये किया था रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सांपला गांव में, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो सांपला का गांव सांपला का नाम बदलकर जो है वो छोटू नगर करने की भी घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह की एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस हरियाणवी तेज गेंदबाज का भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ था नवदीप सैनी का। तो नवदीप सैनी जो है वो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, जो कि करनाल के तरावड़ी के रहने वाले हैं। तो इनका चयन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून 2018 को खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि
कि स्टार गांव परिभाषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्टार गांव योजना जो है वो हरियाणा ने चलाई है। तो प्रदेश में कुल जो है वो 6204 ग्राम पंचायतों में से 1120 ग्राम पंचायतों को जो है वो पहली बार स्टार गांव का दर्जा दिया गया है। तो ये 7-स्टार रेनबो योजना है। इसके अंदर केवल पलवल की जो 3 ग्राम पंचायतें हैं उनको ही 6-स्टार रेटिंग मिली है, बाकियों को जो है 6-स्टार से नीचे की रेटिंग मिली है। 7-स्टार जो है वो किसी भी ग्राम पंचायत को नहीं मिला है। तो कुल 407-स्टार रेटिंग पाकर जो है वो अम्बाड़ा जिला इसमें जो है वो पहले स्थान पर रहा है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरियाणा के राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गांव फरीदपुर की किस बेटी को सम्मानित किया था। दोस्तों ये किया था अन्नु कुंडू को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अन्नु कुंडू को जो है वो हरियाणा राजभवन में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहां पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाने की इकाई स्थापित की जा रही है। दोस्तों ये की जा रही है फरीदाबाद में। तो 20 करोड़ के रुपए की लागत से यह फरीदाबाद जिले के नवादा गांव में 5 एकड़ में बनाई जाएगी और इस तरह के उपकरण बनाने की हरियाणा में यह पहली इकाई लगाई जा रही है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के कितने स्कूलों को इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है 418 स्कूलों को। तो 1 जुलाई से जो है वो प्रत्येक शिक्षा खंड स्तर पर 2-2 स्कूलों को इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल बनाया जा रहा है और धीरे धीरे जो है वो सभी स्कूलों में ये स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इस संग्रहालय में जो है वो पुलिस की वर्दी तथा अन्य पुलिस संबंधित चीज़ें जो है वो रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई कहां पर शुरू की गई है। तो ये की गई है कॉलेजों के अंदर। तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS की इकाई शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। तो ये लगाई है हरियाणा सरकार ने। तो लगातार जो है वो शिकायतें आ रही थी और जो परीक्षा परिणाम गिर रहा था तो उसको रोकने के लिए मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल के लिए स्कूल में रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में टॉप 100 में हरियाणा प्रदेश के कितने शहरों को स्थान मिला है। तो इसमें जब हरियाणा के 2 शहर शामिल हुए हैं टॉप 100 में, तो ये हैं करनाल जिसको कि 41वां स्थान मिला है और रोहतक को 89वां स्थान मिला है। और इसमें ओवरऑल रैंकिंग में जो है वो हरियाणा 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में हरियाणा दूसरे और जागरूकता में तीसरे स्थान पर रहा था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में जो है वो हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद टॉप 100 में शामिल थे और इस बार जो है फरीदाबाद इससे बाहर हो गया है, तो करनाल और रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में जिला स्तर पर कबीर जयंती कब मनाई गई है। तो दोस्तों ये मनाई गई है 25 जून से 1 जुलाई तक। तो इस बार राज्य में जो है वो जिला स्तर पर कबीर जयंती मनाई गई है, पहले जो है ये राज्य स्तर पर मनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कहां पर 22 जून को 5A साइड हॉकी मुकाबला आयोजित किया गया। तो ये किया गया है हिसार जिले में। तो हिसार एस्ट्रोटर्फ को जो है वो पहली बार 5A साइड हॉकी के मेजबानी का मौका मिला और इस मुकाबले में लड़कियों में हिसार की टीम विजेता बनी थी और लड़कों में सोनपत की टीम विजेता बनी थी। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कहां पर 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेशन किया गया। तो ये किया गया है हिसार में। तो 23 जून 1948 से हर साल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया है। तो दोस्तों ये किया है 24 जून 2018 को। तो इस मेट्रो
लाइन की कुल लंबाई जो है वो 11.18 किलोमीटर है और यह मेट्रो लाइन जो है वो चालू ग्रीन लाइन इंद्रलोक से मुंडका का बहादुरगढ़ तक विस्तार है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाने का अनुरोध किया है, तो ये है पलवल रेलवे स्टेशन। तो पलवल रेलवे स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी को भारत में सबसे पहले 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में जो है ये बात कही गई है। तो साथ में जो है मुख्यमंत्री ने घासेड़ा में स्टेचू ऑफ हार्मनी स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। तो घासेड़ा में जो है वो महात्मा गांधी ने 19 दिसंबर 1947 को मेव समुदाय को भारत से विस्थापित न होने के लिए मनाया था। नेक्स्ट है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है, तो दोस्तों ये किया है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी यानी कि CDLU ने। तो सिरसा में जो है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। तो अभी जो है इस पर भक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं और जल्द ही जो है इस पर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कृषि आधारित कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है, तो रोजी मलिक जो है वो हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रदेश में क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा अब किस फोर्स का गठन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स। तो स्पेशल टास्क फोर्स का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में बनाया गया है और इसके लिए हरियाणा पुलिस के जवानों को जो है वो प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में मत्स्य पालन के लिए कहां पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, तो दोस्तों ये किया जा रहा है झज्जर और चरखी दादरी में। तो झज्जर और चरखी दादरी जो है वो मत्स्य पालन के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह है और हरियाणा में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि हरियाणा प्रदेश में इस समय कितने महिला थाने हैं, तो इस समय जो है वो 28 महिला थाने हैं और आगे भी सरकार जो है वो इनकी संख्या बढ़ा रही है और हाल ही में जो है वो 50 एर्टिगा गाड़ियां भी महिला पुलिस को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी कार्यालयों में कब से LED लाइट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, तो ये किया गया दोस्तों 15 अगस्त 2018 से। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हेलोजन सोलियम बल्ब और ट्यूबलाइट को जो है बदल कर जो ऊर्जा बचाने में सक्षम है LED बल्ब और ट्यूबलाइट उनको लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि देश में सबसे फास्टेस्ट पासपोर्ट की वेरिफिकेशन और फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें जो है वो हरियाणा पुलिस को पहला स्थान मिला है और इसके लिए जो है वो हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सम्मान प्रदान किया था और खेलों के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के जो तत्कालीन DGP है BS संधू इनको सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि मैं हर रोज जो है वो इसी तरह की नई वीडियोज लेकर आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप मेरी haryanacurrentchick.com नाम से वेबसाइट है तो उसके ऊपर जाकर भी जो है वो अपनी तैयारी एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है साइट का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वो आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो।